हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो माय मॉर्निंग हो चुकी है सी। आज मॉर्निंग एंजल्स हुई है। सो एंजल यहाँ पे क्यों वेट कर रही है? ऑफकोर्स हमारा आज संडे है एंड संडे व्लॉग बनाने का टाइम है, बट यू कैन सी यहाँ पे वेट कर रही है। मैं अपना ये गर्म पानी पी रही हूँ लौंग डाल के, हालांकि मुँह में थोड़ा छाला आया हुआ है, बट या हल्का हल्का ल्यूक वार्म वाटर पी रही हूँ। सो एंजल यहाँ पे मेरा इंतज़ार कर रही है ताकि मैं वहाँ जाके उसके साथ बैठूँ और वो आगे यू नो क्लाइम थोड़ा आगे जाकर वो नीचे की तरफ देखे। सो आई विल शो यू हाउ। इतनी बदमाश है, तब से मुझे लुक दे रही है वो कि मम्मी कभी आएंगी। मैं कंबल भी ला के रखी यहाँ पे ताकि वो थोड़ा सो जाए, पर नहीं सोई। रुक जा उधर ही रुक जा, चल रुक जा। ए देखो बट या एंजल का ये अच्छा है कि जब तक मैं उसके साथ या उसके पापा यहाँ पे नहीं बैठे उसके साथ, तब तक वो आगे नहीं जाती है, उतना उसे समझ में आता है। बट हाँ, वही है कि आके यहाँ पे एटलीस्ट अभी 10-15 मिनट तो मुझे बैठना ही पड़ेगा। आज दिन बहुत लंबा होने वाला है। भगवान जाने किसको देखती है, कौन दिखता है उसको, वो क्या देखती है, कुछ समझ नहीं आता मुझे। मैं खुद भी देखने की कोशिश करती हूँ कि वो किसको देखती है, पर मुझे नहीं समझ में आता। वैसे आज का दिन एक्चुअली बहुत लंबा जाने वाला है, हमारी एनिवर्सरी भी आ रही है। सो वी आर थिंकिंग कि हम लोग थोड़ा शॉपिंग करने जाएंगे आज, थोड़ा बाहर जाएंगे, एंड आज कुछ तो खाना भी बनाना पड़ेगा अच्छा सा। दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ बनाया नहीं था। सो लेट्स सी आज का दिन कैसा जाता है, आई ट्राई टू अपडेट, देखते हैं। बट यू ऑल हैव अ गुड डे, एंजॉय। सो रेखा आ चुकी है, हमारी रेखा है। हाय बोलो रेखा। कुछ नहीं हुआ है, हाय बोलो। अरे है कोई, हाय तो बोल दो एक बार, हाय ऐसे बोल दो, हाय। अरे नहीं, भाभी नहीं है, कोई नहीं है ऑडियंस से। पर आज देखो ये मैं इतने कपड़े निकाल के रखे हैं। अभी मैं जा रही हूँ एक ट्रिप पे कुछ दिन पे, तो ये सारे गर्म कपड़े निकाले हैं। तो अभी देखो क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, तो ये धुलवाने पड़ेंगे। कुछ ऐसे नए कपड़े भी हैं एज यूजुअल, हाँ तो देखते हैं अभी। सोनू कहाँ जा रहा तुम? काम है। संडे भी? हाँ। संडे भी तुम्हारा काम रहता है बच्चा? संडे और ज्यादा काम रहता है। तुमने बाल नहीं बनाया? मैंने बाल बना रहा है। झूठ मत बोलो तुमने नहीं बनाया। मैं बना रहा हूँ बाल। तुम्हारी बीवी ने नहीं बना के दिया बाल? नहीं, मेरा बीवी मेरा ध्यान नहीं रखता शादी के बाद। झूठ मत बोल नालायक। क्या कर रहे हो तुम दोनों किचन में? आज संडे इतना आलसी आलसी। अरे मम्मी ने दाल बना दिया? हाँ। मैं सोची थी मैं बनाऊंगी। बना लिया। अच्छा, क्या क्या दाल बनाया? चना का दाल। चने का दाल बनाया है। और मैंने यहाँ पे आज चिकन मैरिनेट करके रखा है, बट एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक, मूली की सब्जी भी बनने वाली है, मूली कट के रखी, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो आई डोंट नो मुझे अभी भी वो उल्टी उल्टी सी हो ही रही है। इस पे बहुत ज़्यादा कॉकरोच हो गया था एयर फ्रायर में सी, तो मैंने दवाई लगा के रखी है, अंदर भी दवाई डाली है, अच्छे से इसको पोंछना पड़ेगा अभी मुझे। एंजल लेट मी शो यू मेरा गार्डन, दिखाती हूँ। आज दो दिन से मैं खुद भी कुछ कर ही नहीं पा रही थी गार्डन में सी। दुबई वाला जब आप लोग और आज का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा मैंने ये GoPro तभी खरीदा था, और मैंने लास्ट
दार्जिलिंग गैंगटॉक जब गई थी ना तभी यूज किया था, गैंगटॉक वाले वीडियोज भी मैंने डाली नहीं हुई थी। सो अभी मैं फिर से घूमने जा रही हूँ कुछ दिनों में। अफकोर्स मेरे पति देव मेरे साथ नहीं आ रहे क्योंकि घर संभालना पड़ता है, एंजल को संभालना पड़ता है, तो हम दोनों में से मतलब एंजल को घर पे एंजल के साथ रहना ही पड़ता है। सो इनका काम भी होता है, सो काम। सो दिस इज माई GoPro। सो लेट्स सी GoPro की हालत क्या है अभी। GoPro चार्ज करनी पड़ेगी। अरे वाह, मेरा तो ये कैप भी मिल गया। ये कैप भी मैं पहन के जा सकती हूँ, थोड़ा बहुत खराब हो गया है। अभी इतने दिन से मैंने यूज नहीं किया ना, यूज करना भी भूल गई। सही बताओ तो ये देखो मैंने बैंगल्स पहने हैं, देखो मैंने बैंगल्स पहने हैं। मैं तो एक्चुअली भूल ही गई हूँ यूज करना, ये लगाना। एक तो नेल्स का प्रॉब्लम, उसको कैसा था ऐसे करके इसको ऐसे कुछ कैसे बीच में इसको डालना होता है। वाह, सच्ची में भूल गई हूँ मैं तो। इसको पहले ऐसे लूज करना पड़ता है एंड देन इसके अंदर इसको इक्वली इसको अंदर इसको डालना पड़ता है शायद, ऐसे ही कुछ था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर ये पता नहीं अंदर क्यों नहीं जा रहा। हाँ तो कुछ ऐसा ही अगर मुझे याद है तो। हाँ राइट, ज़्यादा ना जोर लगाने को भी डर लगता है, टूट टूट जाए करके। इसको होके बराबर चलाते थे, इसको लॉक करना है। इन्होंने ना मेरा एक्चुअली GoPro वाला प्रॉपर जो स्टैंड होता है ना इसे वो लगाने वाला वो नहीं दिया। हालांकि जब मैंने पूरा सेट खरीदा था और मुझे उस वक्त ना नॉलेज नहीं था तो मैं वैसे ही ले ली, बट देन घर पर आने के बाद रियलाइज वो वाला स्टैंड प्रॉपर वाला जिसके अंदर जाए ना पकड़ने वाला दिया ही नहीं। तो ये वाटर प्रूफ वाला ही मुझे मैं नॉर्मली अभी यूज़ कर रही हूँ। सो पता नहीं चार्जिंग है या नहीं, चार्जिंग नहीं है। नहीं है चार्जिंग, हमें चार्ज करना पड़ेगा इसको। तो फाइनली मैंने यूट्यूब से देख लिया है इसको कैसे खोलते हैं। सो वही मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरी नाखून नहीं टूट जाए। एक्चुअली ये लैच है ना एक बड़ा वाला, ये यहाँ से इसको अलग करना पड़ेगा। और उस पैसे ऐसे ये एडेप्टर आई थी। नहीं नहीं, ये तो मेरा पर्सनल एडेप्टर है, ये वायर गया था। अगर एडेप्टर तो ऐसे किसी चीज़ के साथ देते ही नहीं है मुझे क्या पता है। अभी चार्ज पे लगा दूँगी, अब चार्ज में लगाएगा मेरा GoPro, इसके बाद मैं GoPro में शूट करूँगी। सो अब वो अब उन्होंने बताया था कि नॉर्मल जो मेरा डे टू डे स्किन केयर है दिस इज हाउ आई डू, मतलब मॉर्निंग में हो या आफ्टरनून, बट आई प्रीफर इन द मॉर्निंग कि आप सुबह उठ के जब नहा लो या फ्रेश हो तो आप अच्छे से आपका फेस क्लीन कर लो एंड वॉश कर लो, मतलब फेस वॉश से या उबटन से कैसे भी आप आपका फेस क्लीन कर लो, बेसिकली डर्ट रहना नहीं रहना चाहिए। एंड देन यू कैन यूज़ टोनर, लाइक गुड टोनर मार्केट्स में आजकल बहुत टोनर्स अवेलेबल है, तो आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से आप टोनर देख सकते हैं। यू कैन यूज़ लिटिल टोनर एंड उसके बाद टोनर के बाद यू कैन यूज़ लाइक आई यूज़ टोनर के बाद विटामिन सी। विटामिन सी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बट कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्किन टाइप, यू नो।
तो वो आपको आपका स्किन टाइप एक बार खुद को चेक कराना पड़ेगा या देखना पड़ेगा या समझना पड़ेगा कि आपका कैसा है। अगर बहुत एलर्जेटिक है, सेंसिटिव है, तो हो सकता है आपको थोड़ा रिएक्शन हो विटामिन सी से। और अगर आप मतलब सोच रहे हो कि आप खुद एक्सपेरिमेंट करोगे तो थोड़ा लगा के देख सकते हो, अगर ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है तो स्टॉप यूजिंग इट। तो विटामिन सी ऑफकोर्स स्किन लाइटनिंग के लिए, पिगमेंटेशन के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। बट विटामिन सी के साथ सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है दैट इज सनस्क्रीन। तो विटामिन सी जब आप लगा रहे हो, मेक श्योर आप लगा के तुरंत सनलाइट में या किसी लाइट में नहीं चले जाए, इट विल बर्न योर स्किन। सो बेटर यू पुट सनस्क्रीन विटामिन सी लगाने के बाद, फिर ही आप बाहर निकले। बट जिसकी मैंने विटामिन सी जो सीरम है वो मैंने लगा लिया है, एंड देन माई फेवरेट मॉइस्चराइजर ऑफकोर्स। ये मेरी जो स्किन केयर जो भी डॉक्टर है ये उनका ही है, बट अभी तक उन्होंने ये मार्केट में नहीं निकाला है। मैं तो बोल बोल के उनको थक गई हूँ, बट या मे बी क्योंकि ये बहुत जो ऑयली स्किन है ना उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी 7-8 ऑयल्स है जिसकी वजह से आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर्ड रहती है। तो जिनके ऑयली स्किन है उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी ये वाली मॉइस्चराइजर। बट एनी वे कोई भी आप डेली मॉइस्चराइजर, इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड विटामिन सी, इफ़ यू वॉन्ट टू अवॉइड टोनर, इट्स ओके। आप फेस वॉश करो, एक अच्छा मॉइस्चराइजर लगाओ, स्पेशली विंटर के टाइम पे तो आपको मॉइस्चराइज रखना ही चाहिए स्किन। इसके लिए कोई अच्छा मॉइस्चराइजर लगाओ। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप जो क्रीम वाला मॉइस्चराइजर होता है वो लगाओ। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो मेक श्योर आप थोड़ा वो लिक्विड वाला या जेली या ऑयल वाला लगाओ, ताकि यू नो आपका स्किन वो मॉइस्चराइज रहे। और उसके बाद मेक श्योर ठंडी हो, गर्मी हो, स्प्रिंग हो, ऑटम हो, कुछ भी हो, यू कांट मिस योर सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपको लगाना ही है, स्पेशली यू नो आई फील कि गर्मी में जो धूप होती है होती है, पर जो ठंडी में जो हल्की हल्की धूप होती है ना उससे भी काफ़ी ज़्यादा सनबर्न होता है स्किन में। तो उसके लिए भी एटलीस्ट 30+ SPF और 50+ मैं लगाती हूँ 50+ SPF। सो यस, दिस इज़ माई डेली स्किन केयर रूटीन जो मैं डेली विदाउट मिस करती हूँ। एंड नाइट का ये मेरा डे का है, नाइट का मेरा थोड़ा अलग है। ऑफकोर्स नाइट में सनस्क्रीन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस मेरे एक दो ऑयल्स हैं एंड देन आई मॉइस्चराइज एंड दैट्स इट। बट बहुत बाल झड़ रहे हैं यार मेरे, सच्ची। हाँ मतलब आई डोंट नो यही सीज़न है कि कौन सा सीज़न है, पर कोई ऐसे सीज़न होते हैं जहाँ पे बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। बट हाँ मेरा थोड़ा तबीयत डाउन की वजह से भी हो सकता है। आज तो मेरी मेड ने भी मुझे डरा दिया है थोड़ा बहुत, अभी कल मैं ब्लड टेस्ट कराऊँगी तो देखो क्या निकल रहा है, मैं पता चलेगा। बट हाँ इसीलिए ना ये बाहर का खाना खाना ही चाहिए, जिस दिन से बाहर का खाना खाया उस दिन से पेट खराब पड़ा है मेरा। इसलिए घर का खाना खाना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए, बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। नहीं तो ऐसी प्रॉब्लम्स होती है फिर पेट में, फिर उल्टी होती है, फिर लूज मोशन होती है। और शादी के बाद तो उल्टी हो तो वो अलग कांड, 10 लोगों के दिमाग में 10 चीज़ें घूमती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरा। बस मैंने 3 दिन पहले कुछ गलत खा लिया था इसके लिए मुझे उल्टी हो रही है, इसलिए मुझे डायरिया हो रहा है। बट इसलिए मत खाइए बाहर का खाना, घर का खाना खाइए, स्किन का ध्यान रखिए, पानी पीजिए, जूस पीजिए, शुगर मत खाइए, मैदा मत खाइए। मैंने मैदा खा लिया था यार परसों, उसके बाद से ये हालत हो गई है मेरी, यू सोच के भी उल्टी आ रही है मुझे फिर से। सो ये हो गया आज का हमारा संडे व्लॉग। सो आई एम रेडी एंड यस, ट्राई टू अवॉइड एज मच एज यू कैन द मेकअप गाइज। ऑनेस्टली मतलब हम लोग बींग एन एक्टर हमें मेकअप करना पड़ता है, बट आई पर्सनली फील हम जितना अवॉइड कर सके सिचुएशंस जहाँ पे हमें मेकअप लगाने की ज़रूरत ना पड़े। आप लोगों ने काफ़ी बार मुझे भी देखा होगा कि मैं हर जगह पे मेकअप नहीं लगाती, मतलब किसी पार्टी हो, इवेंट हो, तभी भी बहुत कम लगाती हूँ, मिनिमल जितना मैं कर सकती हूँ। बट आपकी स्किन को ब्रीथ करने के लिए उतना स्पेस आप रखिए, ताकि यू नो आगे चल के आपकी स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो। क्योंकि जितना कम मेकअप करेंगे उतना आपका स्किन अच्छा रहेगा, जितना आपका स्किन अच्छा रहेगा आप अच्छा फील करोगे। इसीलिए उसका ध्यान रखिए, स्किन का ध्यान रखिए। एंड ऑफकोर्स ठंडी के टाइम पे सिर्फ फेस ही नहीं, जैसे मैंने पहले वीडियो में बोला था, फुल बॉडी हमारा मॉइस्चराइज्ड हाइड्रेटेड होना जरूरी है। उसके लिए बॉडी में ऑयल मसाजिंग
एंड पानी पीना ज़रूरी है। अच्छा जो सीजनल फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो सब खाइए अच्छे से। घर पे पका के बाहर से ऑर्डर देके नहीं तो मेरी तरह पेट खराब होगा आपका, जो मैंने गलती की हो आप मत कीजिएगा। सो ध्यान रखिएगा। मैं रेडी हो गई शॉपिंग में जाने के लिए। अभी एनिवर्सरी आ रही है कुछ ही दिनों में मेरी, बस आपको तो याद ही होगा, तो आज एनिवर्सरी शॉपिंग करने जा रहे हैं। आई विल ट्राई अगर उसका मैं कोई वीडियो बना सकूँ बाहर। एक्चुअली ना मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी शर्म आती है, सबके सामने नहीं बना पाती हर एक वीडियो, बट आई विल सी इफ आई कैन मेक, जो थोड़ा अजीब लगता है। बट लेट्स ट्राई कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के अगर मैं कुछ बना पाती हूँ तो। सो दिस इज इट फॉर संडे वीलॉग, लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर एंड सी यू सून अगेन, बाय।